तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में पावर शो, तैयारियां जारी। खिलाड़ियों के रवायती रंग गहमा गहमी, पार्टी परचमों की बहार। मुल्क भर से पिटाई के काफिले और कारकुनों की रावलपिंडी आमद का सिलसिला जारी। सिक्स रोड फ्लाईओवर पर मरकजी स्टेज बनाया जा रहा है। सिक्स रोड फ्लाईओवर से चांदनी चौक तक पिंडाल होगा। तहरीक इंसाफ को फैजाबाद में जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। आज रात तक जलसा का खाली करना होगा। 56 नुकात पर मुश्तमिल इजाजतनामा मिल गया। उधर इमरान खान का हेलीकॉप्टर कहां लैंड करेगा, मामला हल ना हो सका। दूसरी तरफ इमरान खान की बेहतर तबीयत, प्लास्टर मुकम्मल उतार दिया गया। इमरान खान आज दोपहर 2 बजे जमान पार्क से रावलपिंडी के लिए रवाना होंगे। आपको एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तारीख नहीं लेके देगी। आप सियासतदान बने, सियासतदानों में वापस आएं। आप पीडीएम की क्यादत से बैठें। आप अगर मियां नवाज शरीफ से मिलना चाहें, अगर आप मियां शहबाज शरीफ से मिलना चाहें, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है वो भी इनकार नहीं करेंगे। एजेंसियों की रिपोर्ट है इमरान खान की जान को खतरा है, तहरीक इंसाफ आज का जलसा मुलतवी कर दे। वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला ने चेयरमैन पीटीआई को मशवरा दे दिया, कहा सियासी इज्तिमा के हवाले से रेड अलर्ट है, कोई भी दहशतगर्द फ़ायदा उठा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट की बजाय सियासी क़ियादत से बात करें। इमरान खान सियासतदान बने, ज़िद छोड़ दें। इमरान खान अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मिलना चाहे तो वो इनकार नहीं करेंगे, वो सियासतदानों में वापस आएँ, पीडीएम से मिलें। इमरान खान साहब, अब आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलनी, ये आज़ादी मार्च नहीं फितना और फसादी मार्च है। मैंने मरने के खौफ पर काबू पा लिया, सियासत में जब से आया हूं तब से जान को खतरा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं एहतजाज करना हमारा आईनी हक है, चोरों का टोला हम पर मुसल्लत किया गया, मुल्क में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, रावलपिंडी अपनी कौम के लिए जा रहा हूं, आवाम मेरे साथ आएंगे, जलसे का मकसद पैगाम देना है, कौम जाग गई, इसको आज़ाद किया जाए, फौरी इलेक्शन नहीं होते तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी, रजीम चेंज साजिश की वजह से अमेरिका से ताल्लुकात नहीं तोड़ सकता, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारे लिए बहुत अहम है। जो क्या पांचा है वो इलेक्शनों में होना है, इलेक्शन आपको कराने पड़ने, आप आराम से करवा लें या आपको जो है वो जबरदस्ती कराने पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा। हम मुजाकरात के लिए तैयार हैं, अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर ऐलान करने को तैयार, बाकी सारा फ्रेमवर्क जो है वो मुजाकरात के जरिए बैठ के हो सकता है। हुकूमत जल्द इलेक्शन की तारीख दे तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटी रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान की हिफाजत की जिम्मेदारी वज़ीर दाखला की है। सहाफ़ी ने फवाद चौधरी से सवाल पूछा, क्या इमरान खान तकरीर के बाद जलसागाह में बैठेंगे या चले जाएंगे? फवाद चौधरी ने जवाब में बताया, यही तो सस्पेंस है, अगला लाए अमल जलसे में बताएंगे। असद उमर ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान की जान के खतरे पर राना सनाउल्ला जिम्मेदार होंगे, जान को खतरा है लेकिन हेलीकॉप्टर उतरने की इजाज़त नहीं दे रहे। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में जलसा, इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद। फैजाबाद फ्लाईओवर को चारों जानिब से मुकम्मल सील कर दिया गया। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, बदतरीन ट्रैफिक जाम रही, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं, रश में एम्बुलेंसेस भी फंसी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में रावलपिंडी बरास्ता मरी रोड जाने वालों के लिए फैजाबाद पर डायवर्शन लगा दी गई है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दखले के लिए पुराना एयरपोर्ट और स्टेडियम रोड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उधर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का पीटीआई के जलसे को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही से पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि जो मर्जी आए या जाए, पंजाब में कोई सियासी मुहिम जोई कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब की नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ओहदे मिलने पर मुबारकबाद। फयाज़ुल हसन चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमरान खान जलसे में चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो रोज़ा दौरा तुर्किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तंबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए तीसरे PNS खैबर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रूस यूक्रेन से गंदम की दरामद पर तैयब अर्दवान का किरदार काबिले सताइश है। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात गहरे और तारीखी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया यकजान दो कालिब की तरह हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और तुर्किया एक अच्छे हैं। तुर्किया चीन और पाकिस्तान की एक कॉरपोरेशन होनी चाहिए। तुर्क सदर ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं।